झारखंड के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेंद्र साव आज सभी जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उनकी बेटी बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद और कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह समेत समर्थक पहुंचे थे। हालांकि अभी उनकी पत्नी और पूर्व विधायक निर्मला देवी जेल से बाहर नहीं आ सकी हैं। योगेंद्र साव ने जेल से बाहर आने पर अदालत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। विधायक अंबा प्रसाद ने पिता योगेंद्र साव के जेल से बाहर आने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, ये कहावत चरितार्थ होती है। मेरे ऊपर जुल्म और मेरे परिवार पर जुल्म ढाया गया था, उसका नतीजा है कि फ्री में जो है 7 साल के बाद हम जेल से रिहा हो रहे हैं। और कभी कभी सत्य पर असत्य हावी हो जाता है और उसी का परिणाम है कि सत्य में जयते नहीं हो पाया और बहुत सा चीज़ों में न्यायालय के द्वारा मुझे न्याय मिला है और न्याय का उम्मीद पूरा रखते हैं। और मेरी बेटी जो है इतना दिन से प्रतिनिधित्व बड़का गाँव की है, बड़का गाँव की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जेल में रहने के बावजूद भी दो दो बार, एक बार मेरी पत्नी को जिताया मोदी लहर में, दूसरी बार हमारी बेटी को जो आईएएस की तैयारी कर रही थी उनको जिताई, और एक लगातार कम से कम रात दिन मेहनत क्षेत्र में कर रही, जनता का हर विश्वास को जितने काम कर रही है। मेरे ऊपर जुल्म और मेरे परिवार पर जुल्म ढाया गया था, उसका नतीजा है कि फ्री में जो है 7 साल के बाद हम जेल से रिहा हो रहे हैं। और बड़े भाई हैं और निश्चित तौर पर मेरे पिता इनको बेटे के रूप में देखते थे, इनका बहुत ज़्यादा लगाव था मेरे परिवार से, अभी भी है। और जिस तरीके से इनकी बेटी ने इन्हें इनका कामधाम संभाला और जनता का जो सेवा भाव से पूरे जनता के बीच में जाके रहने का काम किया, हम लोग अम्बा प्रसाद को पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं जिस तरीके से ये काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि योगेंद्र साहू जी की छवि कहीं ना कहीं इनमें दिखती है। तो अम्बा प्रसाद ने कहा कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो पाया है। जेल से बाहर आने के बाद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का स्वागत किया गया है। करीब 42 महीने बाद जेल से बाहर आए तो आप देखिए कैसे समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। योगेंद्र साव का समर्थकों ने स्वागत किया और हम लोग उनके न्याय के लिए हमेशा आवाज बनते रहेंगे। मेरे पिताजी मेरे बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं, हम उनके सिखाए हुए उनको जैसे बचपन से देखे है कि वो दिन रात लोगों के लिए कैसे काम करते थे वही हम सीख के और लोगों के बीच में जाके दिन रात पापा के ही सिखाए हुए रास्तों पे चले। आज इनका ही पापा का ही सिखाया हुआ दिन है कि आज लोगों में इतना हम लोगों के प्रति इतना पॉजिटिव भावना है और हम लोगों के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर योगेंद्र साहब जेल क्यों गए थे। दरअसल